नमस्कार, मैं निवेदिता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत आने का समय बहुत करीब है। 24 फरवरी को ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ भारत के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे और उससे पहले अमेरिका और भारत के बीच में एक बड़ा रक्षा सौदा हो गया है। भारत ने नौसेना के लिए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने की $2 अरब की डील को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदे जाएंगे, जिसके लिए भारत सरकार कुल $2.5 अरब खर्च करेगी। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पहुंचने पर ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टमेंट अमेरिका की ओर से तो जारी हो गया है, अब भारत जैसे ही इस पर हस्ताक्षर करेगा वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। माना जा रहा है कि ट्रंप की इस भारत यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में कई और रक्षा सौदों पर मुहर लग सकती है। दोनों देशों के बीच में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने और उसके लिए रणनीति बनाना ही अहम मुद्दा होगा, और ये जो सौदा दोनों देशों के बीच में होने जा रहा है वो इस लिहाज से बेहद खास है। MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें तो ये सतह और पनडुब्बी भेदी युद्धक विमानों में भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। लॉकहीड मार्टिन ने MH-60 रोमियो विमान को निर्मित किया है। ये हेलीकॉप्टर जंगी पोतों, जहाजों, पनडुब्बियों को निशाना बनाने में पूरी तरह सक्षम है। दुश्मन के अन्य ठिकानों को भी ध्वस्त करने की क्षमता रखता है ये हेलीकॉप्टर। MH-60 हेलीकॉप्टर समुद्र में तलाशी और बचाव कार्यों में भी मदद करने में सक्षम है। ये हेलीकॉप्टरों की दुनिया का सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर है। MH-60 रोमियो विमान का डिजाइन और क्षमता भारतीय सशस्त्र बलों के अनुरूप ही है। भारत सरकार का मानना है कि नौसेना को अभी 120 से ज्यादा नेवल मल्टी हेलीकॉप्टर की जरूरत है। नौसेना ने इसके लिए साल 2017 में ग्लोबल रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद ये मामला लटक गया और फिर अब अमेरिका की तरफ से भारत को नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम देने पर भी प्रगति हुई है, जिससे राजधानी की हवा के जरिए सभी खतरों से सुरक्षा की जा सकेगी, जिसकी वैल्यू $1.8 अरब है। अभी तक भारत अमेरिका से $18 अरब से ज्यादा के डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद चुका है और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स साझा करने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए गए हैं, और ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग पार्टनर भी है। कुछ दशकों पहले तक ये जगह रूस की थी, यानी भारत डिफेंस इक्विपमेंट्स की अपनी जरूरतों को रूस से खरीद कर पूरा करता था, लेकिन अभी हाल ही के सालों में अमेरिका से इन इक्विपमेंट्स की खरीदारी बढ़ गई है। जैसे जैसे एशिया में चीन की ताकत बढ़ रही है, वैसे वैसे अमेरिका सामरिक संतुलन बरकरार रखने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाना चाहता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने भारत को डिफेंस इक्विपमेंट की बिक्री बढ़ाई है और वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी भारत की मदद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आने से पहले अमेरिका और भारत के बीच में इस डील को काफी बड़ा माना जा रहा है। अब इस डील से भारत की ताकत बढ़ेगी और दुश्मन देशों की हालत खराब होगी। पाकिस्तान और चीन को अब भारत की जल्द ही बढ़ने वाली इस ताकत से भी डरना चाहिए। क्या पता उन्हीं के खतरनाक मंसूबों को ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका इस डील को करने के लिए तैयार हुए हों।